हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये टाइम जो है काफ़ी बेसब्री से मैं इंतजार करता रहता हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊंगा। तो जब भी मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करता हूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट मैसेज देता हूँ, कुछ ऐसी बातें बतलाता हूँ जो आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अभी जो है एग्ज़ाम का समय है, कई बच्चों का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। मुझे कमेंट मिला था कि मेरा एग्ज़ाम चालू है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे एग्जाम चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मार्च में एग्जाम चालू होगा और टाइम कुछ बढ़ा दिया गया है, और न्यूज़ आ चुका है कि 8 क्लास से ऊपर के बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो उसके स्कूल में लिया जाएगा, और 7 क्लास से नीचे का जो बच्चा है उसको घर में ही क्वेश्चन उसके मोबाइल पे ऑनलाइन भेज दिया जाएगा, और उसको एग्ज़ाम का जो पेपर होता है लिखने वाला कॉपी उसको प्रोवाइड करा दिया गया है, उसको घर में रहकर ही एग्ज़ाम देना है। तो हो सकता है आप लोग की तरफ ऐसा हुआ हो, हर जगह जो स्कूल है अपने सुविधा के अनुसार वो अपने एग्जाम कार्यक्रम को रखा हुआ है। जिन बच्चों का स्कूल में एग्जाम होने वाला है उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा, लेकिन अगर वे एग्जाम के सही रूल्स को अपनाते हैं तो उनका नंबर अच्छा खासा आएगा। अच्छा मार्क्स लाने के लिए कुछ रूल्स अपनाया जाता है, तो आज मैं इसके विषय में बात करूंगा। एक्चुअली मैं इसको क्यों जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इस तरह से मैं गुजर चुका हूँ, इसका एक्सपीरियंस मुझे है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इंटर का एग्जाम दे रहा था। इंटर का जब एग्जाम होता है तो उस समय 3 आवर का एग्जाम होता है, 10th तक का एग्जाम या इसके नीचे का एग्जाम जितना होता है वो 2 आवर्स का होता है, और उसके बाद आप अपर क्लास में चले जाते हैं इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो वहाँ पे 3 आवर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो उसका एक्सपीरियंस मुझे तो था नहीं, मैं एग्जाम देने के लिए पहले पहले गया। अब हुआ ऐसा कि क्या क्वेश्चन था वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बेसिकली आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 1 नंबर का हो गया, तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो उसमें ऑब्जेक्टिव में कई तरह का दिया जाता है, जैसे कि MCQ हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद उसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, इस तरह का दिया जाता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा वर्ड्स आपको लिखने के लिए नहीं देता है, उसमें आपका 50, 60 या 100 से इससे कम या इतना तक जो है वर्ड्स में लिखने के लिए उसका आंसर देता है। इसके बाद हो गया लास्ट में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा लंबा लिखने के लिए रहता है और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर रहता है। इसका मुझे कोई आता पता था नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एग्ज़ाम दे रहा था। अब क्या हुआ कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन को बनाने में लग गया, और टाइम निकलता गया और 2 आवर्स बीच बीच में बेल बजता रहता है, 1 आवर जैसे होता है वो बेल बजेगा, फिर 1 आवर बीतेगा फिर बेल बजेगा, इस तरह का मुझे तो ध्यान था नहीं और ना ही मेरे हाथ में घड़ी था। तो लिखता गया और जब 2 बेल बजा, मतलब 2 आवर्स बीत चुका था, तो पता चला कि 2 आवर्स में लिख चुका हूँ और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मैं पलट के क्वेश्चन देखा, तो देखा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी जो है उसको लिखना था, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो छूटा हुआ है, उसमें से मैं एक भी नहीं लिख पाया था। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इसको लिखूंगा, मेरे पास सिर्फ 1 आवर है और इतने सारे कम से कम 5 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझ गया कि अब मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैंने प्रयास किया लेकिन मैं गलत चाल चल चुका था, इसका परिणाम मुझे मिला। मैंने कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया, और वो एग्ज़ाम मेरा काफ़ी ख़राब चला गया था, उसमें नंबर भी मेरा काफ़ी कम आया। तो उस समय से मैं जान गया कि जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है और जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है उसको आप पहले लिखिए, और उसमें भी क्या, उसमें जो आप उसको बेहतर जिसको जानते हैं, जो सबसे अच्छा याद है, जिसको आप ज़्यादा लंबा लिख सकते हैं, उसको जो है आप सबसे पहले उसका आंसर दीजिए। उसके बाद इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो उसमें 10 नंबर का, 8 नंबर का, इस तरह का रहता है। अगर 5 कर लिया, 8 नंबर का आया तो उसमें 40 नंबर आपका बन गया। तो इस तरह से सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें नंबर ज़्यादा है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे जाइए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है उस पर भी छोड़ना नहीं है, किसी क्वेश्चन को छोड़ने का ध्यान बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप अगर आप उसको सही भरते हैं या टिक लगाते हैं तो उसमें कन्फर्म है कि उसका 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से इसके अलावा आप टाइम सेट कर लीजिए, या तो माइंड में टाइम सेट कर लीजिए या फिर आप एक वॉच पहन लीजिए, बेहतर रहेगा कि अपने कलाई में एक वॉच रखिए और टाइम सेट कर लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पास अगर इतना है तो फिर हम इतना टाइम इसको देते हैं, 1 घंटा का या 1.5 घंटा का टाइम देते हैं कि इतना देर में मैं लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर लूंगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1/2 घंटा या 45 मिनट का आपके पास जिस हिसाब से आपको समय मिलता है उस हिसाब से आप टाइम सेट कर लीजिए कि इसके लिए मैं इतना समय रखूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसके लिए इतना समय रखूंगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा मुश्किल होते हैं तो उस सोचने के लिए उसको बाद में आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के रूल्स को अपना कर चलते हैं, बड़े बड़े जितने भी एग्जाम होते हैं मुझे लगता है कि सारे लोग यही नियम अपनाते हैं, अगर इस नियम को ना अपनाया जाए तो उसमें मार्क्स आपका कम होने का पूरा संभावना है, हो ही जाएगा।
इसीलिए आप इस ट्रिक्स को लेकर चलें, इस नियम को लेकर चलें, आपका एग्जाम बेहतर होगा और आपका नंबर, आपका परसेंटेज बिल्कुल अच्छा आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, यूजफुल होगा और इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिलता है, मदद मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। एक्चुअली मैं बीच बीच में आप लोगों से बातचीत करता रहूंगा, मिलता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है अगर मैं आप लोगों से बातचीत ना करूं तो कुछ मिसिंग सा महसूस होता है। तो हमारे चैनल से आप बने रहिए हमारे चैनल में, इसी तरह का कुछ ना कुछ आप लोगों को जो यूजफुल टिप्स होगा मैं बतलाता जाऊंगा। फिर इसी तरह का एक नए वीडियो में आप लोगों से फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।